आपको सीधे लिए चलते हैं प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और दूसरा फ्लड के दो फ्लड से डैमेज हो गया, एक तो पॉलिनेशन ने बोल दिया और एक डीआई ने सब यूनिट है, सब यूनिट का है। हमने बोला उसमें सब यूनिट नहीं है, वो तो एक हाईकोर्ट ने सिर्फ बुलडोजर जो कराया है उसकी स्टेट डिस्कशन नहीं होने की और बाहर जाने की कुछ ध्यान नहीं होता। तो मेरा इसी बात से मैंने बहुत कुछ डालता है कि भाई पहले मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि ये सोची समझी साजिश, अगर सोची समझी साजिश है तो किसकी साजिश है ये कौन पता करेगा? हाईकोर्ट के जज के द्वारा जो किशन कुमार की मांग करी वो नहीं न मानी। और भी मेरा यही है, अगर सही पता करना है तो हाई कोर्ट के जज के द्वारा जुडिशियल इंक्वायरी की जाए ताकि पता लगे कौन किसकी साजिश है, किसकी कमी है, सरकार जिम्मेवारी से क्यों हटी पीछे, जबकि वहां पर एक हफ्ते से पहले कल 10 दिन से पहले एक माहौल बनाया जा रहा था उत्तराधिकारियों द्वारा, व्हाट्सएप हो रहे थे दोनों तीनों को स्टोन कर थे, सरकार ने उसका क्यों नहीं ध्यान किया? जबकि सीआईडी ने कहा था भी अंदेशा है, सीआईडी के इंस्पेक्टर ही ने वो स्टेटमेंट पढ़ी है, उन्होंने कहा भी अंदेशा है जो हो सकता है। तो सरकार ने अपनी जिम्मेवारी निभाने तो नहीं निभाई, बल्कि ऐसे ही अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए दूसरों के पास आने की कोशिश की जा रही है। उसी बात से दूध का दूध पानी का पानी को हाईकोर्ट के जज द्वारा जुडिशियल इंक्वायरी कराई गई है, उसका कोई मुद्दा नहीं। और बहुत सारे मुद्दे उठाए गए थे, एक ये परमानेंट परेशानी पत्र जो है पीपीपी, उसमें आपने देखा क्या स्थिति है, जो चीज सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन राइट ने कह दिया कि मैंडेटरी नहीं हो सकती है, आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है इसके लिए, लेकिन पहचान पत्र ये मैंडेटरी है, जो बहुत सारे पत्रकार ने बताया, तो जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है इसी बात से मैंने कहा था सिलेक्ट कमेटी में दिया जाएगा, पता लग जाए कोई पर्पज नहीं, पिछले कई साल से ये चला रखा है, पता लग जाए कोई पर्पज नहीं, पिछले कई साल से ये चला रखा है परिवार पहचान पत्र, और अब तक कोई भी अपनी पहचान नहीं बना सका, इतने अड़ंगे डाल रखे हैं तो पहचान ही नहीं बना सकता, कहीं बैंक अकाउंट मांग रहे हैं, कहीं प्रॉपर्टी डिटेल मांग रहे हैं, इनकम टैक्स का काम भी ये करेंगे, हर काम ये करेंगे, कहीं कास्ट मांग रहे हैं, कास्ट सेंसिस करवाओ, हम तो कह रहे हैं ये जो फायदा होगा सबको कास्ट सेंसिस भी होना चाहिए। इसी प्रकार से आपका ये लाल डोरे के लिए, लाल डोरे का ये समझ नहीं आया इसे कैसे लाल डोरा हमने खत्म कर दिया। मैंने कहा असेंबली में भाई एक भी सिरजा सिजरा दिखा दो जहां लाल डोरा खत्म हुआ हो, उसके जवाब में उन्होंने दिया क्या, क्योंकि जहां वो काबिज है वो तो पहले से मालिक है, अब पंचायत को क्या अथॉरिटी है, भाई मालिक ही नहीं है पंचायत तो उनको सर्टिफिकेट देते हैं, उसकी मान्यता नहीं है किसी बैंक में। उप मुख्यमंत्री ने एक लिस्ट भेजी मेरे पास इन लोगों ने कर्जा ले रखा, तो एक भी बैंक सब प्राइवेट फाइनेंशियल ग्रुप के फाइनेंस कंपनी, उससे तो कोई कुछ ले ले, बैंक में मान्यता नहीं है उनकी, तो ऐसा काम यह। और इसी प्रकार से आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधान परिवार पहचान पत्र में तो इन्होंने दिखाया भाई किसी की आमदनी कितनी, गरीब आदमी की 10 करोड़ वाले की 1,80,000, इस प्रकार से अमीर को गरीब, गरीब को अमीर, इसी तरह प्रॉपर्टी आईडी जो है वो मालिक को तो दुकानदार बना दिया, दुकानदार को मालिक बना दिया, कितनी अनियमितता है। तो ये एक कौशल रोजगार योजना, ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है, सीडी
आज सरकार ने कल खुद माना है, जो मैं कितने दिन से कह रहा हूँ कि 2,27,000 पोस्ट खाली हैं, वो तो बने काम करते नहीं। सीईटी का करके एक नया तरीका लगा दिया, ये सबसे आसान तरीका है जो नौकरियों में धांधली करने का, पैसे खाने का सबसे आसान तरीका है। कुछ नहीं करने की जरूरत, जिनको फेवर करना है उनको यही बताना है। पिछले सवाल पिछला पेपर देंगे, 40-40 पे क्वेश्चन रिपीट हो रहे यार, तमाशा बना। और लोगों के युवाओं के उसके साथ खिलवाड़ की जा रही है। इसी प्रकार से आपका हाँ, तो ये कहा भी हमने शेड्यूल कास्ट को प्रमोशन में रिजर्वेशन दे दी, एक तरफ तो ये कहा, एक तरफ ये चिट्ठी जारी कर रहे हैं। ये चिट्ठी है सत्रह अगस्त की चिट्ठी दी है, और उनमें क्या है, इन द जजमेंट टेकेड इन द केस ऑफ रिपोर्ट एज सेट आउट कंडीशन क्या क्या है, कलेक्शन ऑफ क्वांटिफिएबल डेटा रिगार्डिंग इन एडवोकेसी ऑफ रेजिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, एप्लीकेशन ऑफ दिस डेटा टू ईच कैटेगरी सेपरेटली, मतलब ऐसी कंडीशन है जो किसी को लाभ पहुंचने वाला नहीं है। ये लैंड की कॉपी आपको दे दें जो उन्हें दी है, तो ये सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए कहते हैं, जो पहले जो है सिर्फ चुनाव देखकर ये कह रहे हैं उनको। इसी प्रकार से आपका क्राइम आपने देखा, अनएम्प्लॉयमेंट आज के इंडियन एक्सप्रेस में भी है, हाईएस्ट इन द कंट्री। 2014 तक जो है जो 4% थी, नहीं बल्कि कम थी, 3%, अब 3 गुना बढ़ा दी है, 3% थी बेरोजगारी। और अपराध जो है ये NCRPR के मुताबिक जो 2014 से लेकर 2021 तक 96% की बढ़ोतरी हुई है, 96। हरियाणा पूरे देश में 15वें नंबर से 6ठे नंबर पर पहुंच चुका है, जो 15वें नंबर पर था अपराध में अब 6ठे नंबर पर पहुंच चुका है। क्राइम रेट 16.02 से बढ़कर 31.8 हो गया, मतलब दुगना हो गया। और हरियाणा जो है वो देश के सबसे असुरक्षित राज्य में हो गया सबसे ज्यादा। ये जो है उसकी SPI की रिपोर्ट है, हमारी नहीं, सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स होता है, प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट की है, उसने रिपोर्ट दी है कि हरियाणा सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश हो चुका है। सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स SPI उसकी ये रिपोर्ट है, वो होगी कॉपी भी थी अखबार में। ये बना रहे हैं हर चीज का पोर्टल PPP के लिए, कितने कितने बताए थे आपने, 550 पोर्टल, कोई आप कर सकते हो, कोई कर सकता है, मतलब को अपनी पहचान भी नहीं बना सके, परिवार पहचान 72 इतने साल हो गए, आदमी अपनी पहचान ही नहीं बना सके, 550 पोर्टल कहां से लाएगा वो। आदमी कह रहा हूँ आम आदमी के भाई, उनके लिए इतनी दिक्कत वाली बात है। और ये डेटा जो है वो सरकार पूछ नहीं सकती है,
इन्हें कोई अधिकार ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन बैंक का फैसला है ये, और इसको ये बहुत बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। मतलब देखो फैमिली आईडी में एक हाउसवाइफ की आमदनी 10 करोड़ दिखाई गई है और एक 5 दिन का बच्चा, 5 उसके नवजात इस बच्चे की 5,000 महीना आमदनी दिखा दी पैदा होते ही। तो ऐसा मतलब का रखा है, लोग इसी चक्कर में लाइन में लगे रहते हैं और भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, अपना डाटा ठीक कराने के लिए भी अड्डा बना हुआ है। कोई मकान मालिक को तो किराएदार बना दिया, किराएदार को मकान मालिक बना दिया, तो ऐसा जिसने किराए पे दे रखा बेचारा यही चक्कर में करता है, ले भाई इतना मतलब भ्रष्टाचार का अड्डा बने हुए हैं। और मुआवजे की फसल बीमा मुआवजे की नहीं वो तो दिख रही फसल बीमा योजना 3 साल से अटके हैं किसानों के। हाँ फाल दे मेरे अजीब सरकार का। हरियाणा गवर्नमेंट ने इशू नोटिफिकेशन किया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का 25 जुलाई को, 25 जुलाई 2023 को, 3 साल के लिए, मतलब खरीफ 23 से रबी 25-26 तक। नोटिफिकेशन जो 25 को किया बहुत लेट किया है, और स्कीम ये है फार्मर को इन्फॉर्म करना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी को 72 घंटे के अंदर अंदर, जो लॉस हो 72 घंटे के अंदर क्लेम करना पड़ता है। तो ये जो पूरा जून का महीना और 25 जुलाई तक, तो उसको तो मौका ही नहीं मिलेगा। ये डिलेड जो है, इन्होंने डिले ऑफ नोटिफिकेशन हैज बीन एडमिटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन ए लेटर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिक्वेस्टिंग एक्सटेंशन डेट ऑफ एनरोलमेंट, मतलब उसकी एक्सटेंशन के अब तक जवाब नहीं दिया। मैंने उससे पूछा था कृषि मंत्री से, उन्हें जवाब नहीं दिया। तो इसका मतलब इसका ये है, ये कह रहे कंपनसेशन, 12,500 या 15,000 रुपये एकड़ कह रहे हैं, तो उससे ज़्यादा मिलेगा नहीं उसको, इंश्योरेंस कंपनी देगी नहीं। अगर इंश्योरेंस कंपनी में वो क्लेम डाल देता समय पर, तो कंपनसेशन 30,000 से 40,000 रुपया प्रति एकड़ उसको मिल सकता। तो ये बिल्कुल उस वो है। और स्कूलों के हालात आप देख रहे हैं, स्कूलों में जो है प्रदेश में 538 स्कूलों में लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है, 1,047 स्कूलों में लड़कों के लिए टॉयलेट नहीं है, 131 स्कूलों में पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है, 236 स्कूलों में बिजली कनेक्शन नहीं है, प्रदेश में 321 स्कूलों में चार दीवारी तक नहीं है, 8,240 क्लासरूम की कमी है, 8,240 क्लासेस डिमांड आ रही है, और 5,630 अन्य कमरों की कमी है, लैब इत्यादि जैसे होते हैं ना वो। स्कूलों में ये सारी कमी पूरी करने के लिए कम से कम 784 करोड़ बजट की जरूरत है, 1,784 करोड़ की बजट की जरूरत है, जबकि सरकार ने 23-24 में सिर्फ 424 करोड़ दिया है, यानी 1,360 करोड़ की कमी है। वो तो होंगे नहीं पूरे कभी, और वो भी रिपेयर्स के लिए देते हैं, कुछ चंद स्कूलों को देते हैं, जो बजट दिया जाता है उसे पूरा इस्तेमाल भी नहीं किया जाता, हर बारी बजट जो है हिस्सा बचा रहता है। तो आप कोई भी लगाओ, मतलब ऐसी परिस्थिति कर दी, अस्पताल में तो डॉक्टर नहीं, स्कूलों में मास्टर नहीं, कहीं कमरे नहीं, और सरकारी दफ्तरों में कर्मचारी नहीं मिलते, 2 लाख तो पद खाली है उसका ही, पर पोर्टल ले बैठे रहो, तो ये यार परिस्थिति उन्होंने की है।
और हमारे को जो मिले हैं, जैसे जो रेपुटेशन आए हमारे पास, आशा वर्कर्स के आए हैं, किसानों के किसान यूनियन के आए हैं, जो कंपनसेशन नहीं मिल रहा, और आउटसोर्स कर्मचारी उनकी वहीं की वहीं रख रखी है, कोई उनको उनका मिला है, जो पार्ट टू कर्मचारी हैं 7,000 के करीब हैं, उनको लटका कर रखा है और कोई तनख्वाह नहीं बढ़ाई। इसी प्रकार जो पंचायत वाले मिले हैं, सरपंच मिले हैं और पंचायत मेंबर मिले हैं, जिला परिषद के मिले हैं, जो छोटी सरकार जिसको कहते थे उन पे विश्वास ही नहीं है इनको। कभी ई टेंडिंग लगा देते हैं, कभी कुछ लगा देते हैं, तो ऐसा करते हैं। ओपीएस के लिए मिले कर्मचारी जो कि हमने काम करेंगे, नंबरदार यूनियन मिली है, नंबरदार तो एक लिंक था सरकार और लोगों में, उसको कलर मांग बैठे उनकी, जो ये वायदा करके कि भाई जितने दिन तुम बैठे हो उसकी हम तनख्वाह देंगे, उससे भी मुकर गए। और जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स एसोसिएशन है वो, और खिलाड़ियों को तो आप देख रहे हो, खिलाड़ियों को तो जो था वो नीति नहीं अपनाई जा रही इनसे। तो इस प्रकार से ये विफल सरकार है, और जो इन्होंने हर चीज में जल्दी करी, कोई जवाब दिया नहीं। मैंने उस टाइम भी कहा था कि ये सेशन ड्यूरेशन बहुत कम है जो आपने बुलाया, इसकी ये ज्यादा होनी चाहिए ताकि सारी समस्याओं का बात हो। एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं भाई जब पक्ष विपक्ष का वो हो तो उसका न्यायपालिका पे फैसला करते हैं, उन्होंने कहा, और वो जो ये हुआ नू में हाई कोर्ट की जज के द्वारा इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं, क्या रहे? इसका मतलब दाल में काला है, दाल में काला है। अगर इनको दाल में काला नहीं है तो इनको तुरंत जो है हाई कोर्ट के जज के उसमें इंक्वायरी कर देनी चाहिए। और जैसे मैंने कहा ये रिजर्वेशन की गई, इस तरह बीसीए के साथ मजाक कर रहे हो क्या भाई? रिजर्वेशन देनी है, उसका स्वागत है, क्योंकि वो अति पिछड़ा वर्ग है। आप दो, मान लो कहीं कॉर्पोरेशन में दो सीट हैं बैकवर्ड क्लास की, एक बीसीए को दो, एक बीसीए बी को दे दो। ये क्या है, 2% पॉपुलेशन होगी वही मिलेगा? पहले इनके पॉपुलेशन का तो कोई है नहीं, सेंसस कब की है ना, डाटा है नहीं। तो ये तो विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान जो मुद्दों, जिन मुद्दों को विपक्ष की तरफ से उठाया गया, उन मुद्दों के यहाँ पर जानकारी जो है वो दे रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार मुद्दों से सदन में भागती दिखी है, सरकार जिम्मेदारी से पीछे क्यों हटी है, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। तो सरकार ने अभी तक 550 पोर्टल बनाए, सत्र में उठाए मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर जारी है। सत्र में सरकार का व्यवहार ठीक नहीं, सरकार जिम्मेदारियों से पीछे हटने का काम कर रही है। रोहिंसा को लेकर भी बोले पूर्व सीएम हुड्डा, सरकार पहले से अलर्ट नहीं थी, जबकि सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से पहले से ही इसकी जानकारी जो है वो दी गई थी। साथ ही पीपीपी को लेकर उन्होंने कहा है कि इसमें बहुत सारी खामियां हैं जिसे दूर किया जाना चाहिए।